सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी बीटीयूपी में रिवोल्यूशन का रिजल्ट आता है और आपकी मार्कशीट में जो है वो रिवोल्यूशन के मार्क्स दिए जाते हैं, तो ज़्यादातर तो ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चे हैं उनके तो मार्कशीट अपडेट होकर के आ जाती है, लेकिन जो फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने रिवोल्यूशन भरा होता है तो केवल उसी के मार्क्स जो है वो लिख करके दे दिए जाते हैं, तो उन्हें ये पता नहीं लग पाता है कि वो हमारे जो मार्क्स आए हैं इसके ऊपर हमें हमारी सिचुएशन क्या है, मतलब पास विद बैक हैं या फिर हम क्लियर हो गए हैं या हमें बैक देना पड़ेगा। तो ये इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी आती हैं। देखिए, जून 2023 के रिजल्ट की रिवोल्यूशन की मार्कशीट हमारे पास है इस टाइम पे सामने, और अगर हम इसमें बात करें, देखिए यहाँ पे एंड इवन सेमेस्टर रिजल्ट जून 2023 एग्जामिनेशन है और ऊपर रिवोल्यूशन रिजल्ट लिखा है। मार्कशीट जो है वो इसकी ये है, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जो है मैंने हाइड कर दिए हैं। तो ये जो छात्र हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में, जैसा कि इन्होंने बताया था मुझे कि पहले जो है वो भी 14 ही नंबर थे और उन्हें 3 नंबर का ग्रेस मिला हुआ था। जाहिर सी बात है, 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा 17 करने के लिए, तो इस हिसाब से ये उसमें पास विद ग्रेस थे। तो इन्होंने उस ग्रेस को हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि रिवोल्यूशन भर देते हैं और उससे जो है वो हमारा हो सकता है ग्रेस हट जाए, 17 से ऊपर नंबर आ जाए या 17 आ जाए तो ग्रेस हट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, और रिवोल्यूशन के फॉर्म भरने के बाद जब उसका ये रिजल्ट आया है तो इसमें उनके नंबर नहीं बढ़े, न कम हुए न बढ़े, बल्कि 14 ही नंबर अब लिखे हैं यहाँ पे। और रिमार्क्स में भी कुछ नहीं है, ना कहीं पर ये दिख रहा है कि ये पास हो गए या फेल हो गए या क्या पास विद बैक है या पास विद ग्रेस है या क्या है। तो ये सिचुएशन जो है बहुत सारे बच्चों की है और कई बच्चों ने हमें फ़ोन भी किया है, तो मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर जो है वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो और इस वीडियो को मैं यूपीबीटी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली प्लेलिस्ट में भी डाले दे रहा हूँ, भविष्य में भी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को ज़रूर रेफर करें। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए 14 नंबर इन्हें पहले मिले थे और उसमें इन्हें जो है वो ग्रेस ऑफ 3 मार्क्स था। तो ये जो 14 नंबर मिले हैं ये आपके जो हैं वो अभी मार्कशीट अपडेटेड जो है वो अभी नहीं हुई है अपडेट अभी फ़िलहाल, जैसे ही अपडेट हो जाएगी तो पुरानी ही वाली मार्कशीट के ही एज इट इज़ इनकी आ जाएगी। तो 14 नंबर उसमें रहेंगे और 14 नंबर पे ग्रेस 3 इनको मिल जाएगा, ये अपना वे पास विद ग्रेस की कैटेगरी में पास हो जाएंगे। अब अलग सिचुएशन अगर देखते हैं, अगर मान लिया सपोज करिए इनके मार्क्स जो है वो 15 हो गए होते या 16 हो गए होते, तो 15-16 होने पर भी पुरानी मार्कशीट में वो मार्क्स चेंज हो जाते, 15-16 इसकी जगह 15 हो जाता या 16 हो जाता और फिर ग्रेस उसी हिसाब से 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का ग्रेस मिल जाता। अगर इनके नंबर ये 17 आ गए होते तो उस केस में जो है वो ग्रेस हट जाता, मार्कशीट उनकी वही सिंगल मार्कशीट रहती। अगर इसमें जो है वो मान लिया सपोज करिए चांस की बात है कि अगर इसमें 12 से भी कम हो गए होते, 11 नंबर रह गए होते, तो फिर इन्हें जो है वो उस केस में बैक देना पड़ता, इनकी स्पेशल बैक बन जाती, उसकी मार्कशीट अलग आती, मेन मार्कशीट अलग रहती, इन्हें फिर दो जो है वो जिंदगी भर 2 मार्कशीट लेकर के घूमना पड़ता। तो कई बच्चों का भी ऐसा हुआ है, कई एक स्टूडेंट है जिनके पहले 10 थे और अब 12 हो गए हैं, तो यानी कि वो ग्रेस मार्क्स से पास हो गए हैं। अब ऐसे बच्चे जो हैं जो पास विद ग्रेस हो गए हैं तो वो फिर स्पेशल बैक वगैरह नहीं दे सकते, वो ध्यान से सुन लें, उनका जो होना था वो हो गया, अब ग्रेस उनकी रहेगी हमेशा के लिए, मार्कशीट पर दिखाई देगी वो। तो इस वजह से अब वो अगर चाहते भी हैं कि हम बैक दे करके और इसमें मार्क्स अच्छे कर लें तो अब ये नहीं हो सकता, वो लोग जो हैं ग्रेस से ही पास माने जाएंगे और बैक देने का मौका उनको नहीं मिलेगा। बैक देने का मौका तब मिलता जब ये मार्क्स आपके 14 की बजाय ये 11 रह गए होते, मतलब आप ग्रेस की लिमिट से बाहर हो गए होते, तब ये सिचुएशन आती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट में बताएं, तो हम उस पर स्टडी करके और अगर ज़रूरी हुआ तो वहीं आंसर दे देंगे। अगर कोई डिटेल्ड बात हुई या कोई नई बात पता लगती है तो उस केस में जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना करके उसे एक्सप्लेन कर देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो सीधे कॉल न किया करें, क्योंकि कॉल में हम उस टाइम में मान लिया बिजी हों या सही मतलब वो हों, आप लोग अपनी समस्याएं बताते हैं तो उस समय वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बेटर होगा कि अगर आप लोग व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें और या फिर कमेंट में छोड़ दें, तो उस केस में जो है वो जब हमें समय होगा तो हम उसको देख करके उसको समझ करके तब उसके ऊपर आपको या तो आंसर कर देंगे या फिर सेपरेट वीडियो बना करके दे देंगे। कई बच्चे कई बार कुछ भेजते हैं व्हाट्सएप पे और तुरंत फिर उसके बाद कॉल करना शुरू कर देते हैं और 1, 2, 3 नहीं 4, 5 कॉल लगातार करते रहते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है, इस तरह की एक्टिविटी ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब वह फ्री होंगे तभी उस चीज़ को देख पाऊंगा।
इसलिए ऐसी सिचुएशन ना लाएं तो ज़्यादा बेटर है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले आप बीटी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को सर्च करें। और कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि मैंने कोई टॉपिक पे चीज़ बताई भी है तो उसी दिन बताई और उसी के 2-3 घंटे बाद फ़ोन करके बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को पूछते हैं जो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इसलिए जो बातें हम बताते हैं उन वीडियोस को समझा करें, देखा करें, तो उससे आपको काफ़ी समस्याओं का सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी कोई सिचुएशन है तो मैं खुद ही ये ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई नई सिचुएशन आती है तो उसको फिर सर्च करने में भी टाइम लगता है। आप फ़ोन पे उस तरह से एकदम से करेंगे तो उसमें बता नहीं सकते हम उस चीज़ को। तो ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आप सब काफ़ी समझदार भी हैं। तो वीडियो को फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।